वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया एंड प्रिंसी ब्लॉग। तो आप लोग कैसे, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और आज गोवा का है डे टू। तो अभी हम लोग मॉर्निंग में जाएंगे कलंगेट बीच और वहाँ पे जाके बहुत सारे एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे। और इधर मेरा आउटफिट आप लोग को थोड़ी देर में दिखाएंगे मैं आज क्या वेयर की हूँ। और इधर प्रिंसी पूरा अच्छी तरह से रेडी हो गई है, सबको रेडी है। और दिखाता यहाँ पे देखो So cute. दो चुमो दो जाओ। तो वो चली गई। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए वहाँ जाके मिलते हैं और प्रिंसी को दिखाते हैं, मेरा आउटफिट दिखाते हैं, ठीक है ना। तो गाइस आज का आउटफिट मेरा ये है, ये गोवा वाला बीच वाला ड्रेस है तो मैंने वेयर कर लिया। अभी जाएंगे एक्टिविटी वगैरह करेंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। और प्रिंसी को चलिए दिखाते हैं क्या पहनेंगे। वाह सो क्यूट बेटा, प्रिंसी सो क्यूट। देखो देखो इधर 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 पोज़ दे दो, पोज़ दे दो ना, पोज़ दे दो ना। वाह। तो यहाँ पे आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए और आज मेनू में था पोहा। तो यहाँ पे फटाफट से ले लेते हैं, देख के बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था क्योंकि इस रिजॉर्ट का जितना भी खाना था बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है। क्योंकि हम लोग ऑर्डर करके खा रहे थे तो पता चल गया कि यहाँ खाना बहुत ही ज़्यादा सही है। और पराठा भी था साथ में, तो शायद गर्म नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। तो आगे चले तो यहाँ पर वाटरमेलन रखा हुआ था तो सोचे ले लेते हैं, प्रिंसी खा लेगी। तो यहाँ पर मैंने 2 वाटरमेलन ले लिया फटाफट से। और बटर वगैरह भी, ब्रेड वगैरह भी रहता है बट ब्रेड नहीं खाते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं ली। तो यहाँ पे मैं बस 2 वाटरमेलन लेंगी, उसके बाद प्रिंसी के पास जाते हैं क्योंकि प्रिंसी उधर छोड़ के भी आए हैं। रोज अलग अलग चेंज करते थे काम। हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं बीच की ओर। तो इधर हम लोग आ गए थे कलंगट बीच और सामने रहा बीच। तो अभी हम लोग जाएंगे और प्रिंसी यहाँ पे देखो अपना बिजी हो गई है खेलने में। और यहाँ पे बागा बीच भी है तो कलंगट बीच और बागा बीच जो है सामने में ही है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे एंजॉय करने के लिए। और आप लोगों ने बागा बीच वाला मेरा ब्लॉग नहीं देखा है नाइट व्यू वाला तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं ब्लॉग को। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी था तो हम लोगों ने ये सीट बुक कर लिया था 100 रुपीज़ में, 1 आवर का टाइम रहता है। और भूख भी लग गया था बहुत तेज़, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऑर्डर कर लिया था। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज और मोजिटो ड्रिंक भी मैंने ऑर्डर कर लिया था। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ड्रिंक पीना नेसेसरी है यहाँ पर। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिए। इनसे अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो, सीट सीट सीट। तो गाइज यहाँ पे मैंने टिकट ले लिया है और मैं जा रही हूँ वाटर एक्टिविटीज़ करने, पारा सेलिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोट पे बैठा दिए हैं, अब बोट से ही हम लोग को बीच के सेंटर में ले जाके वहाँ पे हम लोग का होगा पारा सेलिंग। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कैसे क्या होता है मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि मैं अकेले जा रही थी, मेरे हस्बैंड और पेरेंट्स ही बीच में ही है क्योंकि बच्चे को ले जाना सेफ नहीं रहता इसलिए मेरे को अकेले जाना पड़ रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं होता
रहता है अकेले, मतलब इतना ये एक्टिविटीज़ करना। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिए, मज़ा आने वाला है, सही बता रहे हैं। तो मैं तो इधर इंजॉय करते करते जा रही हूँ, लेकिन पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। और यहाँ पे देखो, एक बोट से दूसरे बोट में लेके गया, क्योंकि वो वाले बोट से पैरासेलिंग होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी, और देखो बीच समुद्र में आ गए हैं हम लोग। और यहाँ पे देखो पैरासेलिंग का तैयारी कर रही है, तो यहाँ पे एक दीदी है उसको लेके जा रहा है। तो आप लोग ब्लॉग को वॉच करो और एंजॉय करो, और लाइक प्लीज़ कर देना, एक लाइक। पैरासेलिंग करके आ गई थी, अब मेरे हस्बैंड जा रहे हैं पैरासेलिंग करने के लिए, क्योंकि प्रिंसी है तो उनको भी संभालना पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोग एक एक करके जा रहे हैं, और मेरे हस्बैंड भी वहीं ले जा रहे हैं जहां पे मेरे को भी लेके गया था पैरासेलिंग करने के लिए। तो यहां पे देखो ये जा रहे हैं पैरासेलिंग करने के लिए। ये तो बहुत ज़्यादा मस्ती किए, मज़ा आया इसको, क्योंकि आराम से इसको हाइट उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता हाइट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर लेके गया था तो मैं तो थोड़ा सा डर भी गई थी। और ये तो बहुत ज़्यादा हाई हेलो कर रहे थे, मस्ती किए। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिए और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, इतना मज़ा आ रहा था। मज़ा भी बहुत आता है, और मस्ती कर सकते हैं आराम से इसमें, पैरासेलिंग कर सकते हैं। लेकिन जिस टाइम में हम लोग गए थे, हम लोग का 1000 रुपीज़ पर पर्सन लिया था पैरासेलिंग करने का, और मज़ा आता है। और पानी में भी डुबाया जाता है, तो जो उसमें कुछ ज़्यादा ही पैसा लगता है। बट हम लोग नॉर्मल वाला कराए थे, क्योंकि ज़्यादा हम लोग को ये नहीं करना था। देखो वो हाई कर रहे हैं ऊपर से, हाथ भी छोड़ रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं पकड़ के रखी थी। तो बीच से पूरा सैंड सैंड होने के बाद हम लोग आ गए थे स्विमिंग पूल में एंजॉय करने के लिए, क्योंकि बीच में इतना धूप था, इतना गर्मी था, तो स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो यहाँ पे प्रिंसी देखो कितना ज़्यादा एंजॉय कर रही है, वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है प्रिंसी। तो गाइस हम लोग बीच से घूम फिर के आ गए हैं, और एक्टिविटीज़ वगैरह कर लिए, उसके बाद अभी रूम में आ गए हैं। और अभी हम लोग का लंच होगा अभी, और टाइम भी हो रहा है, बहुत लेट हो गया, शायद 4 से ज़्यादा 4 साढ़े 4 होगा, हो रहा होगा। और अभी हम लोग लंच कर रहे हैं, क्योंकि बीच से बहुत लेट से आए थे, तो अभी लंच करेंगे। हमने 65 मंगाए हैं, और अभी मेन कोर्स वगैरह आ रहा है। अदर प्रिंसी मोबाइल देख रही है अपना,